हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग बेटा। हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं लिविंग वर्ड के। पहला टॉपिक आपका का था लाइफ के कैरेक्टर्स, और सेकंड टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी का टॉपिक। ठीक है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। इस असाइनमेंट को बेटा आप सभी अपनी फेयर नोटबुक में नोट करें और इसको अच्छे से याद भी करें। ठीक है, मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगी, असाइनमेंट भी दूंगी, तो उसमें से आपको नोट डाउन करना है और अच्छे से इसको लर्न भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी ने दिया है कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। दो लाइनें एनसीईआरटी ने दी है बायोलॉजी के डेफिनेशन को लेकर के। पहली डेफिनेशन दी है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, और सेकंड डेफिनेशन दी है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि ये लाइन क्या कहना चाह रही है, व्हाट डज इट मीन। तो पहली जो डेफिनेशन है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इट मीन्स ये क्या कहना चाह रही है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इट डिस्क्राइब अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि किस तरीके से अर्थ के ऊपर लाइफ का ओरिजिन होता है। दैट मीन्स फर्स्ट लिविंग फॉर्म कैसे अराइज हुई है। सेकंड चीज आ रही है बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा दोनों चीजें बिल्कुल डिफरेंट हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि यहां पर हमारी फर्स्ट लाइफ फॉर्म अराइज हो जाती। तो ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे अराइज होती है नॉन लिविंग मैटर से, ये तो कौन बताता है, ऊपर वाली डेफिनेशन बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ। और सेकेंड डेफिनेशन किसको बता रही है, इस फर्स्ट लाइफ फॉर्म से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कैसे अराइज हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी कैसे बनी है, इट मीन्स हाउ एवोल्यूशन अकर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि कैसे ऑर्गेनिजम्स में एवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से आपकी नई स्पीसीज बनी है, तो इसके बारे में ये स्टोरी बता रही है। इट इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। एवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है बेटा, इवोल्व आउट होना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कैसे बनती है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी। तो बायो वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं लाइफ, और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट डाइवर्स फॉर्म। हम डाइवर्स फॉर्म में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो उनका नंबर और उनके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसको शो करता है, बायोडाइवर्सिटी को शो करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई हमने पढ़ा कि सबसे पहले कॉमन नेमिंग आई, फिर बायोलॉजिकल नेमिंग आई, फिर बायोलॉजिकल में पहले बाइनोमियल फिर ट्राइनोमियल। तो ये क्या कह रहा है कि नेमिंग के स्टैंडर्ड रूल्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों, बिकॉज स्टैंडर्ड नेमिंग इज एसेंशियल सो दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ताकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, एक ऑर्गेनिज्म को हमने कोई भी स्टैंडर्ड नाम दे दिया तो उसी नाम से उसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाए, ये चीज स्टैंडर्डाइजेशन इसीलिए किया जाता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम किसी भी नेमिंग का स्टैंडर्डाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग वो नाम दिया गया हो, और वर्ल्ड के हम चाहे किसी भी कोने में चला जाए वो नाम हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है, नोमेनक्लेचर और नेमिंग is only possible when, हम कह रहे हैं कि nomenclature और naming कब possible होता है, कब possible होता है, जब हम किसी भी organism को correctly describe करें, and we know that what organism the name is attached to। ये क्या कहना चाह रहा है कि हमने उस organism को correctly describe किया हो, ताकि हम ये पहचान पाए कि वो organism का नाम किस चीज से अटैच है, उसका नाम हमें बताना है, नोमेनक्लेचर हमें देनी है। तो वो चीज हम तभी बता पाएंगे जब किसी ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी हम सिमिलरिटी को देख पाएंगे। ठीक है, तो द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर सिक्स आता है, ये हम इजीली कर सकते हैं, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। नोमेनक्लेचर की आपको डेफिनेशन देनी है, आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन देनी है, तो ये आप नोट से कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन। देखो बेटा, हमने कहा था अलग अलग नेमिंग के जो सोर्स होते हैं, हमें जो रूल्स मिलते हैं वो हमें कहाँ से लेने हैं, उसके स्टैंडर्ड रेफरेंस हमें कहाँ से मिलने हैं, तो वो हमने बताया था ICBN, ICZN, ICVN। लेकिन यहाँ पर पूछ लिया पर्टिकुलरली किसका, प्लांट्स का। तो प्लांट्स के लिए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, ICBN, दैट मीन्स इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। क्या हो गया बेटा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। बेटा ये सारे क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं, अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो आप इन एनसीईआरटी की बुक से ये सारे आंसर्स आपको लिखने हैं। मैं आपको करेक्ट आंसर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, जितना हो सकता है जो क्वेश्चंस के आंसर आपको एनसीईआरटी से मिल जाते हैं उनके आंसर्स आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही करने की कोशिश करनी है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। साइंटिफिक नेम्स एंड शो, साइंटिफिक नेमिंग हमने दी क्योंकि कॉमन नेमिंग की कुछ ड्रॉबैक थी, तो वो क्या इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, कि हर ऑर्गेनिज्म का सिर्फ क्या हो, एक ही नाम। क्योंकि कॉमन नेमिंग में क्या था, एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम दे दिए गए थे, तो यहाँ पर ये क्या इंश्योर करता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड वाइड क्या हो, सिंगल नाम हो। तो पहली चीज तो ये आ गई। दूसरी चीज क्या इंश्योर करता है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। मतलब हम वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर के उस ऑर्गेनिज्म की अगर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं तो हर जगह पे जो लोग हैं वो एक ही नाम पर आकर के रुकते हैं, मतलब सभी उसका एक ही नाम बताते हैं, तो जो भी हम डिस्क्रिप्शन दें वो सिर्फ एक ही नेम पे आकर के रुक जानी चाहिए। तीसरा क्या इंश्योर करता है, सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। जो नाम हमने किसी ऑर्गेनिज्म को दे दिया है वो साइंटिफिक नेम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, कि बाइनोमियल, बाई बाई मतलब हमने पहले भी कहा था दो, कि इस नोमेनक्लेचर में क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, वो हमें पता ही है कौन सा, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन आता है, हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने बहुत बार देखा भी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, कैरोलस लिनेस ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, या इसी को पूछ लेते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि जो यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो कौन सा है, बाइनोमियल, तो या तो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर पूछ लेंगे या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पूछ लेंगे, तो ये आप नोट से कर लेना। सारे के सारे स्टेप्स हमने बताए थे कि जो भी हमें चीजें लेनी है वो लैटिन लैंग्वेज में लेनी है, दो इसके कंपोनेंट होते हैं, जीनस का पहला वर्ड कैपिटल होता है, स्पीसीज का पहला लेटर सॉरी क्या होता है, स्मॉल होता है। हैंड राइटिंग करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे, हैंड राइटिंग करेंगे तो जीनस को अलग से अंडरलाइन करना है, स्पीसीज को अलग से, ठीक है। तो ये रूल्स हमने नोमेनक्लेचर के बताए थे, वो सारे के सारे रूल्स आपको लिखने हैं, कोई भी रूल स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डज वी राइट द ऑथर नेम इन ए बायोलॉजिकल नेम। कई बार क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम में ऑथर का नेम भी ऐड कर देते हैं, तो ऑथर का नेम हम कहाँ लिखेंगे, कहाँ मेंशन करेंगे और ऑथर नेम क्या इंडिकेट करते हैं, तो बेटा ये चीज ध्यान देना, ऑथर का नेम हम लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्योंकि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हम क्या लिखते हैं, पहले जीनस का नाम लिखते हैं फिर स्पीसीज का नाम लिखते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा आपका, ऑथर का नाम, और वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में। कैसे फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में। अब ऑथर का नेम क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दैट ऑथर, ठीक है। जैसे कि अगर हम नाम ले दें मैंगीफेरा इंडिका लिन, इसका मतलब ये जो साइंटिफिक नेम है ये किसने डिस्क्राइब किया है, लिनेस सेंटस ने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें डेफिनेशन देनी है टैक्सोनॉमी की और क्लासिफिकेशन की। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, टैक्सोनॉमी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है इन विच ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड, कि कैरेक्टर्स के बेस पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी टैक्सोनॉमी। फिर आता है क्लासिफिकेशन। इसमें हमने बता भी दिया है कि टैक्सोनॉमी में कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन आता है, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही फिर क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पूछ ले, तो क्लासिफिकेशन भी एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? जिसमें हम किसी भी चीज को ग्रुप्स, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी, किसी भी चीज को कन्वीनियंट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करते हैं उसकी, किसके बेसिस पर? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, ताकि हम उसको इजिली स्टडी कर पाए। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, मेंशन द कैरेक्टर्स विच आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज का क्या कौन बेस बनाता है? तो बेटा हमने पहले भी कहा था, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमिक स्टडीज थी उनमें तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे, लेकिन मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा सेल स्ट्रक्चर भी आई थी, डेवलपमेंट प्रोसेस को भी हमने इंक्लूड किया था, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेम द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। ध्यान देना, वहां पे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज थी, यहां पर सिंपली टैक्सोनॉमी पूछ रहा है। तो क्या क्या स्टेप थे? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। आपको सिक्वेंस में लिखना है बेटा, ये सिक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कैरेक्टराइजेशन। पहले हम कैरेक्टर्स बताएंगे, फिर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आइडेंटिफाई हमने कर लिया तो उसको कन्वीनियंट कैटेगरी में पुट अप करेंगे, दैट मीन्स हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन होने के बाद हम उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं, दैट मीन्स नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफाइन सिस्टमैटिक, हाउ इट डिफर फ्रॉम टैक्सोनॉमी। तो हमने बताया भी था, सिस्टमैटिक जो वर्ड है ये एक लेटिन वर्ड सिस्टमा से ओरिजिनेट हुआ है, दैट मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हालांकि बाद में सिस्टमैटिक के स्कोप को एनलार्ज कर दिया गया और आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इनको भी इंक्लूड कर लिया गया along with evolutionary characters, that means systematics क्या होती है? taxonomy plus में phylogeny। ठीक है, तो ये हमने difference भी बता दिया इसका। और last question आज का हमारा है, name the scientist who use systema naturae as the title of his publication। उस scientist का नाम बताओ जिसने अपनी पब्लिकेशन के लिए टाइटल क्या चूज किया, सिस्टमा नेचरे। सिस्टमा वर्ड किसके लिए है? सिस्टमैटिक्स के लिए है। ठीक है, तो ये किसने यूज किया था हमें पता है, कैरोलस लिने इसने। ठीक है, तो ये आज का हमारा असाइनमेंट था बेटा। इस असाइनमेंट को ध्यान से आपको सुनना है और फेयर कॉपी में जरूर जरूर आपको लिखना है, आपके यूटीज होंगे और यूटीज में आपकी एनसीईआरटी जरूर जरूर आती है। थैंक यू बेटा।